हेलो स्टूडेंट क्लास एट, वंस अगेन आई एम हियर। आई एम टीचिंग यू एग्रीकल्चर चैप्टर। और इस एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने ये देखा कि पाइसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, विटिकल्चर, जो अंगूर को हम वो करते हैं प्रोडक्शंस, विटिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर सिल्क वर्म की रियरिंग करना, एपिकल्चर हनी का उत्पादन करना, पाइसिकल्चर मछलियों के लिए करना। तो इस तरीके से हमने देखा हॉर्टिकल्चर फूलों को सब्जियों को उगाना, फल फूल और सब्जियों को हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम इनपुट में क्या डालते हैं। इनपुट में हम ट्रैक्टर की मदद से, सीड्स की मदद से और केमिकल्स की मदद, ये इनपुट्स हैं। और जो आउटपुट आएगा उसका वो क्रॉप्स के रूप में है। ऐसे अगर हम फिजिकल फैक्ट इनपुट्स की बात करें, जो फिजिकल इनपुट लग रहा है, सनशाइन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉयल है और स्लोप्स है। ऐसे ह्यूमन इनपुट में लेबर और मशीनरी केमिकल्स आते हैं। कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें, इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन, जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, एंड एनिमल आर रेयर, और एनिमलों को भी रेयर किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो एरिया है कल्टिवेटेड वाला भाग और जो अमाउंट है कैपिटल की, यूज इन लार्ज, ज्यादा संख्या में हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए और बड़ा एरिया चाहिए कल्टीवेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, उसमें से ज्यादा जो काम है मशीन्स के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन, कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रेन होते हैं। फार्मिंग मिक्सड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। जो बहुत ज्यादा काम होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें, जिसमें कॉमर्शियल जो ग्रेन है अनाज हमें मिलता है, मिक्स फार्मिंग की जाती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी किया जाता है, जैसे बनाना है, टी है, कॉफी है, जूट है, प्लांटेशन क्रॉप्स मानी जाती हैं, जिनको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर प्लांट किया जाता है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में अगर हम देखें, जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है जिसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती है कॉमर्शियल पर्पज के लिए उगाई जाती है, वीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, जैसे वीट है, मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन मानी जाती हैं। जो मेजर एरियाज है वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस, यहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है प्रैक्टिस, और टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के भागों में। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दीज एरिया स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं इनके पास। इन फार्मों में ये जानवरों को पालते हैं और वहीं रहते हैं, और इनके काउडंग का यूज किया जाता है खेतों में। स्प्रेडिंग ओवर 100 ही जो सेवरी विंटर्स में रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन द ओनली अ सिंगल क्रॉप, विंटर में रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोइंग सीजन में देखते हैं ओनली सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। मिक्स फार्मिंग की अगर हम बात करें, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर, मिक्स फार्मिंग में हम देखते हैं जो लैंड है वो यूज किया जाता है ग्रोइंग के लिए, फूड ग्रोइंग की जाती है, और फोडर क्रॉप्स पशुओं के लिए जो फोडर प्रोवाइड करती है वो वाली क्रॉप, जैसे जौ है, मेज में भी हम मेज तो खाते हैं लेकिन उसका भाग, रेस्ट ऑफ द जो प्लांट का भाग है वो खेत जानवरों को चराने के चारे के रूप में यूज किया जाता है। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक जो है इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप में की जाती है, ईस्टर्न यूएसए में की जाती है, अर्जेंटीना में की जाती है, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में भी। इसी तरह से हम प्लांटेशंस की बात करते हैं कि जो प्लांटेशन है रोपण वाली कृषि टाइप, ये भी एक प्रकार की कॉमर्शियल फार्मिंग में आती है, जहाँ पर एक ही प्रकार की फसल प्लांटेशन क्रॉप में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, यानी कि हम मिक्स क्रॉपिंग उगा रहे हैं प्लांटेशन क्रॉप के साथ, ये पॉसिबल नहीं होता है। प्लांटेशन क्रॉप में ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन,
जैसे टी है, कॉफी है, शुगर केन है, कैश्यू है, काजू, रबड़ है, बनाना और कॉटन। यानी आप समझिए सी से कैश्यू नट भी आ रहा है, कॉटन है, और बी फिर बनाना, रबड़, कॉफी और टी। लार्ज अमाउंट अगर हम देखते हैं ऑफ लेबर्स की एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, कैपिटल की हमें आवश्यकता है और लेबरों की, ट्रेंड स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं इसके लिए, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ इन ए नियर बाय फैक्ट्री। जो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मे बी प्रोसीड होता है ऑन द फार्म पे नियर बाय फैक्ट्री में। डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, वो इस तरह की फार्मिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। मेजर जो प्लांटेशन हम देखते हैं आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, प्लांटेशन फसलें की जाती है वहां पर, जैसे रबड़ है मलेशिया में, कॉफी है ब्राजील में, टी इंडिया में, और श्रीलंका आर द सम एग्जांपल्स। ये जैसे चाय की खेती हम देखते हैं बागानों में उगाई जाती है, चाय के बागान होते हैं, जैसे इंडिया आ गया आपका, श्रीलंका है, इन जगहों पर बहुत सारी टी उगाई जाती है। ऐसे अगर हम यहाँ फोटोग्राफ में बनाना प्लांटेशन देख रहे हैं जहां पर केले के कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं, राइस कल्टीवेशन है, इसमें भी प्लांटेशन किया जाता है, रोपाई की जाती है, वीट, हालांकि वीट प्लांटेशन क्रॉप नहीं मानी जाती है, लेकिन वीट हार्वेस्टिंग दिखाया गया है फोटोग्राफ में। इसी तरह से हम मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, बड़ी संख्या में जो क्रॉप्स हैं, वो कहाँ उगाई जाती हैं, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है ग्रोइंग, उसको इसकी रिक्वायरमेंट के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स, जो क्रॉप है वो क्या करते हैं, वो भी रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स जो हैं आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, जो चावल है, मक्का है, मिलेट्स है, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी, तीन चीजें आती हैं, मोटा अनाज कहलाता है। रागी जिसे मड़ुआ बोलते हैं यहाँ पहाड़ में। जूट एंड कॉटन जो हैं दो फाइबर क्रॉप हैं, रेशे वाली फसल है जिससे हम क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेज जो पेय पदार्थ वाली फसलें हैं उसमें टी और कॉफी आता है। राइस की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द राइस, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप। क्या है ये मेजर फूड क्रॉप संसार में? इट इज द स्टेपल डाइट, ये एक स्टेपल डाइट यानी भरण पोषण करने वाली फसल भी है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की। राइस नीड हाई टेम्परेचर, और जो चावल है हमें उन जगहों पर उगाया जाता है जहाँ हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए और बारिश चाहिए। लगभग इसमें के लिए कहा जाता है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश जहाँ होती है वहां पर राइस उगाई जाती है, लेकिन जहाँ अगर 100 सेंटीमीटर से कम भी है तो इरीगेशन की मदद से वहाँ राइस प्रोडक्शन किया जाता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए राइस के लिए। इट ग्रो बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेली सॉइल, ये बेस्ट माना जाता है एल्यूवियल क्लेली सॉइल में, विच कैन रिटेन वाटर, जो क्या कर सकता है वाटर को रिटेन कर सकता है, क्योंकि दलदली भागों में चावल की खेती की जाती है। चाइना लेड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जो चाइना है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है संसार में, उसके बाद इंडिया करता है, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। अगर हम तीन देशों की बात करें यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इन फेवरेबल क्लाइमेट जो कंडीशंस हम देखते हैं एज इन वेस्ट बंगाल, अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस माना जाता है, और वीट में यूपी माना जाता है, गन्ना भी यूपी में बहुत ज्यादा होता है। अब हम राइस की बात करें तो राइस जो है इंडिया में, वर्ल्ड में जो चाइना है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये बाउल ऑफ राइस यानी चावल के कटोरे के नाम से वर्ल्ड में फेमस है। और हम देखते हैं कि टू और थ्री क्रॉप्स, जो चावल की किस्म है, कई तरह की वैरायटीज का चावल उगाया जाता है, तो लगभग 2 से 3 प्रकार की फसलें जो है साल में यहाँ उगाई जाती है। इसी तरह से अगर हम वीट की बात करें,
वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, जो वीट है जो गेहूं है उसके लिए क्या है मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है एंड रेनफॉल। और जिस समय उग रहा है गेहूं उस समय तो हमें रेनफॉल चाहिए, लेकिन जिस समय वो तैयार होता है हार्वेस्टिंग यानी खेत गेहूं की फसल काटने टाइम हमें वहां सनशाइन चाहिए। जब सनशाइन होगा तभी तो उसकी जो फसल होगी वो पक्के दानेदार फसल बनेगी। अगर उसमें बारिश हो गई तो उसका जो बीज है दानेदार जो फसल है वो क्या होगी बर्बाद हो जाएगी, सड़ सकती है। तो जिस समय चाहे हम चावल की बात करें या हम गेहूं की बात करें दोनों की फसल को हार्वेस्टिंग के टाइम पर पर्याप्त मात्रा में सनशाइन होना चाहिए, धूप होनी चाहिए उस समय। लेकिन जिस समय अगर उसको हम सोइंग बो रहे हैं और बोने से लेकर उसकी प्लांट की ग्रोथ होने तक हमको क्या चाहिए बारिश पर्याप्त मात्रा में चाहिए। बाद में जहां पर कभी अगर कभी बारिश नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम इरिगेशन फैसिलिटीज के द्वारा प्रोडक्शंस पॉसिबल बनाया जा सकता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में गेहूं अच्छा उगता है। वीट इज ग्रोन एक्सट्रीमली इन यूएसए, यूएसए में बहुत बड़े फार्मों में बहुत बड़े एरियाज में वीट का प्रोडक्शन होता है। कनाडा है, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में होता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, इंडिया में हम देखते हैं विंटर में यहाँ पर हम देखते हैं रबी की फसल में आता है वीट, तो यहाँ पर विंटर में उगाया जाता है और समर वैकेशन आते आते मॉनसून आते आते इस फसल की कटाई कर दी जाती है। इसी तरह से अगर हम मिलेट्स की बात करें, वी नो अबाउट द मिलेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन मोटे अनाज माने जाते हैं। इसमें दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, एक मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, और वहां भी उग जाता है जहां पर लेस फर्टाइल कम फर्टाइल जमीन होती है और सैंडी सॉइल, या तो फिर एक सैंडी सॉइल होती है वहां पर भी आसानी से ज्वार, बाजरा और रागी उगाया जाता है। इट इज हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल, इसकी फसल के लिए कम रेनफॉल में भी यह आसानी से हो जाता है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर तक, एक मॉडरेट टेम्परेचर में आसानी से या हाई टेम्परेचर में एडुकेट रेनफॉल अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। ज्वार, बाजरा एंड रागी भारत में उगाया जाता है, ज्वार में महाराष्ट्र इसने नंबर वन माना जाता है और बाजरा में राजस्थान, राजस्थान में बाजरे की रोटी बनाई जाती है। अदर कंट्रीज जो हैं दैट आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, तीन कंट्रियों में ज्यादा मिलेट्स कल्टीवेशन किया जाता है। इसी तरह से अगर आप मेज की बात करें, मेज के बारे में अगर हम देखें, मेज भी क्या है खरीफ क्रॉप मानी जाती है, जैसे राइस है, मेज है, ग्राउंडनट है, ज्वार, बाजरा है, कॉटन है, जूट है, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ग्राउंडनट है आपका, मेज है, शुगर केन है, राइस है, कॉटन है। अगर हम मेज की बात करें, मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, रेनफॉल चाहिए एंड लॉट ऑफ सनशाइन, ज्यादा धूप चाहिए इसके लिए मक्के के उत्पादन के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल, फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा मक्का उगाया जाता है, ब्राजील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको में मक्के की खेती होती है। इवन हम देखते हैं जो मक्का है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है इसकी फसल, लगभग 2 से 3 महीने में मक्के की फसल तैयार हो जाती है, 3 महीना कम लगता है ज्यादा से ज्यादा, तो सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है मक्का, चमत्कारी फसल भी बोलते हैं इसलिए जल्दी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम कॉटन की बात करें, जिसे कपास बोलते हैं, कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए हम पहाड़ों में कॉटन नहीं उगा पाते हैं। हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश चाहिए, जब हल्की बारिश होगी और ज्यादा टेम्परेचर होगा धूप मिलेगी तभी क्या कपास का फूल खिलेगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए इसके लिए, 210 दिन क्या फ्रॉस्ट फ्री, बिना कोहरे के दिन, कोहरा ज्यादा इसके लिए, कोहरा
खतरनाक है। ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट ग्रोथ के लिए, इट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक। ये बेस्ट कहाँ होता है? ब्लैक और एलिवेल सॉइल में, काली मिट्टी में और एलिवेल सॉइल में। तो इसलिए काली मिट्टी में कॉटन की प्रोडक्शंस की जाती है और एलिवेल से। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट वाल। जो चाइना है और यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर माने जाते हैं कॉटन के। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मेटेरियल। ये क्या है? एक मेन रॉ मेटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन रॉ मेटेरियल के रूप में काम होता है। काली मिट्टी और एलिवेल्स में ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में इस तरह का टेम्परेचर अवेलेबल है जहां पर आसानी से कॉटन उगाया जाता है। और यहां पर इंडिया में ब्रिटिश टाइम से ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन उगाया जाता है। उस टाइम पर भी ब्रिटेन में इंडिया से बने हुए कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए कॉटन के रूप में हम देखते हैं, कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन टेक्सटाइल के लिए जरूरी माना जाता है। पाकिस्तान अगर हम देखें, ब्राजील, इजिप्ट जो लीडिंग प्रोड्यूसर माने जाते हैं इसके, और बांग्लादेश भी, इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ऐसे अगर हम नेक्स्ट जूट की बात करें, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, सोने के रेशे के नाम से जाना जाता है जूट। इट ग्रो वेल ऑन एलिवेल सॉइल, एलिवेल सॉइल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो अप किया जाता है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा तापमान होना चाहिए, और हैवी ज्यादा बारिश भी होनी चाहिए, तापमान भी ज्यादा चाहिए, और ह्यूमिड नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है इंडिया और बांग्लादेश में। और बेसिकली बांग्लादेश, उससे पहले बांग्लादेश 71 में जब बना था, उससे पहले वो पाकिस्तान ही था, मतलब कभी इंडिया का हिस्सा रहा था। तो इंडिया की बहुत सारी अच्छी अच्छी मिलें जो थी, पार्टीशन होने के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद वहां चली गई। तो आज हम देखते हैं कि जो जूट प्रोडक्शन में है, ज्यादातर जो है बांग्लादेश क्या है, इंडिया का एक टफ कॉम्पिटिटर है। तो बहुत अच्छी मिले वहां है, वहां भी जूट का प्रोडक्शन किया जाता है और वर्ल्ड लेवल में इसकी काफी डिमांड देखी जाती है जूट की। ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जूट के क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। कॉफी की अगर हम बात करें, मैंने बताया था बेवरेज क्रॉप यानी पेय पदार्थ वाली फसल है टी, कॉफी एंड कोका। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफी के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए एंड वेट क्लाइमेट, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए इसके लिए। हिल स्लोप्स जो होते हैं, पहाड़ी ढालें होती हैं, वहां जो मोर सुटेबल माना जाता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, जो ब्राजील है वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाई कोलम्बिया एंड इंडिया। अगर हम टी की बात करते हैं, टी इज ए वेवरेज क्रॉप्स, पर जो टी क्या है, एक वेवरेज क्रॉप्स है, पेय पदार्थ वाली, ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। जैसे कॉफी का प्लांटेशन किया जाता है, बनाना का किया जाता है, रबड़ का किया जाता है, ऐसे ये प्लांटेशन। टी भी एक वेवरेज क्रॉप्स है, ग्रोन ऑन प्लांटेशंस किया जाता है, जैसे टी हो गया आपका, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, बनाना हो गया। तो बेसिकली हम देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में शुगर केन, टी, कॉफी, कैश्यू भी आता है, काजू। तो बेसिकली हम देखते हैं जो क्लाइमेट है इसके लिए, जो क्लाइमेट होती है, इट रिक्वायर कूल क्लाइमेट, जहाँ ठंडा होता है उन इलाकों में चाय उगाई जाती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर इसके लिए ज्यादा बारिश चाहिए हमें, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, जो इसकी नाजुक पत्तियां होती है, टेंडर लीव्स होती है, उसके फलने फूलने के लिए हमें साल भर बारिश चाहिए। इट नीड वेल ड्रेन लोमी सॉइल्स, लोमी सॉइल में ज्यादा उगता है, एंड जेंटल स्लोप्स,
और ढाल होनी चाहिए। ढाल होने से क्या होता है, इसका जो पानी है रेनफॉल का, इनकी जड़ों में नहीं रुकेगा, वरना अगर जड़ों में पानी रुके तो पौधे इसके डैमेज हो सकते हैं। लेबर ज्यादा मात्रा में, हम क्या देखते हैं कि लेबर बहुत चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए जो आसानी से इस काम को कर सके और सस्ते। स्किल्ड और चीफ लेबर की इसमें जरूरत होती है। लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीफ, इन पत्तियों को चुनने के लिए। केन्या है, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोडक्ट्स करते हैं संसार में, और चाय प्रोडक्शन में तो और एक्सपोर्ट में तो भारत क्या है, नंबर वन माना जाता है चाय के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट करने में। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर का अगर हम विकास करना चाहें तो हम अगर नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे हैं और उस पर हर जब नज़र रख रहे हैं, तो डेफिनेटली एफर्ट्स जो हम करेंगे मेड्स टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, जो प्रयास किया जाता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो ग्रोइंग डिमांड है, तेज़ी से आज हम डिमांड बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है तो क्या है, फूड के लिए भी डिमांड बढ़ रही है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है। हमारे पास वैसे भी जो प्रोडक्शन एरिया है वो तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उन जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें कम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से भी हमें ज़्यादा प्रोडक्शंस करना पड़ेगा, मिक्स क्रॉपिंग करनी पड़ेगी और प्रोडक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर सकें, फीड करा सकें। कई तरीके से हम देखते हैं दिस कैन बी अचीव इन मैनी वे सच इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स जो हैं ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन, इससे क्या होता है इरीगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव होती है, और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम, और हाई यील्डिंग वैरायटी जो उच्च पैदावार देने वाले सीड है उनका यूज किया जाता है। मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण जो है एग्रीकल्चर में, अगर मशीनों का यूज करते हैं तो इससे जल्दी काम होता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का, द अल्टीमेट एम जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है भोजन को हम बचाएं, जो कि डिजास्टर्स के टाइम पे, क्लाइमेटीज के टाइम पे जो हमने बचाया है भोजन वो काम आए। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें, इसने डेवलप्ड किया है डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जगह पर संसार के अलग अलग हिस्सों में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो देखा जाता है। डेवलपिंग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन, जो डेवलपिंग कंट्री है लार्ज पॉपुलेशन के साथ क्या है, यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्या करते हैं इसे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती करते हैं, जो लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड में अगर हम जहाँ पर पॉपुलेशन है ज़्यादा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सटेंस, सब्सटेंस के लिए करते हैं बोल रहा है, एंड लार्ज होल्डिंग आर मोस्ट सुटेबल, और जो लेकिन जो लार्ज होल्डिंग है बेसिकली वहाँ पर छोटे होल्डिंग में तो सब्सटेंस होती है, क्योंकि इंटेंसिव दो तरह की होती है, एक सब्सटेंस इंटेंसिव और एक कॉमर्शियल इंटेंसिव। तो जो कॉमर्शियली है वो लार्ज बड़े मैदानों में उगाई जाती है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, विद द हेल्प ऑफ टू केस, दो केसों जो हम देखते हैं स्टडीज ऑफ फार्म्स की अगर हम बात करें, वन फ्रॉम इंडिया, एक जो भारत से है और अदर जो यूएसए से है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में समझें इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री में, अगर हम देखते हैं काफी डिफरेंस हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर करने का तरीका है, जो मेथड है प्रॉपर, द प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर
इन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री देयर इज ए क्वाइट डिफरेंस। बिल्कुल क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर हमें नज़र आता है उनके। इट इज़ वाई वो स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड में भी क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन आसानी से कर लेते हैं। अगर हम देखें फार्म इन इंडिया में, अगर हम फार्म्स को देखते हैं, देयर इज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है अदिलाबाद, वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जो छोटा सा गांव है अदिलाबाद गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक मुन्ना लाल नाम का एक किसान रहता है गांव में। उसके पास एक फार्म लैंड है जहां पर उसके पास उस फार्म लैंड में 1.5 हेक्टेयर की जमीन है। अब हिज हाउस इज इन मेन विलेज, उसका जो घर है वो गांव में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फ्रॉम द मार्केट, वो क्या करता है हर एक साल में बाजार से हाई यील्डिंग वैरायटी उच्च पैदावार देने वाले बीजों को खरीदता है बाजार से। द लैंड इज फर्टाइल, और उसके बाद जो जमीन है वो उपजाऊ है। ही ग्रो एट लीस्ट टू क्रॉप, कम से कम एक साल में वो दो फसलों को उगाता है क्योंकि उसके पास उपजाऊ भूमि है, विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल, जिसमें वो क्या करता है बेसिकली जो उसके पास उपजाऊ भूमि है जिसमें वो अच्छी पैदावार देने वाले बीजों को बाजार से खरीदता है, उसमें वो चावल गेहूं और दालों को उगाता है। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, उसमें वो क्या करता है, वो किसान जो है अपने दोस्तों की सलाह लेता है और अपने बड़े बुजुर्गों की जो एल्डर है बड़ों की सलाह लेता है, और एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है कृषि अधिकारी उनकी भी सलाह लेता है कि उसे फार्मिंग में क्या क्या मेथड अपनाने हैं और क्या क्या उसको कमियां नजर आती हैं, किस तरह से प्रोडक्शंस के लिए प्रोडक्शन करने के लिए एक नए तरीके अपनाए जाएं, उसके लिए वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की सलाह लेता है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर, उसने एक ट्रैक्टर लिया है किराए पर जिससे वो खेतों की जुताई करता है। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड, उसके जो कुछ दोस्त हैं मित्र जो हैं वो भी अभी भी ट्रेडिशनल मेथड अपना यानी पुराना तरीका अपनाते हैं, जैसे खेतों की जुताई के लिए वो बैलगाड़ी का यूज करते हैं। देयर इज ट्यूबवेल, और इरीगेशन के लिए उनके पास एक ट्यूबवेल है उनके मैदान के नज़दीक में, खेतों के नज़दीक, विच ही टेक ऑन रेंट, जो उसने जो ट्यूबवेल जो उन्होंने लिया है वो भी उन्होंने किराए में लिया है। ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट, अब खेतों की सिंचाई करने के लिए उन्होंने वो किराए पे लिया है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज टू बफेलो, अब मुन्ना लाल के पास हम देखते हैं दो भैंसें भी हैं और कुछ मुर्गियां पाली हैं उसने, मुन्ना लाल ने, और वो क्या करता है जो मुन्ना लाल ने दो भैंस पाली है उसका दूध वो कोऑपरेटिव स्टोर है वहां पर जो नजदीक के टाउन में है कोऑपरेटिव स्टोर, वहां जाके वो बेच देता है दूध को। ही इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है जहां से उसे एडवाइस मिलती है ऑन द टाइप ऑफ फूडर कि उसे अपने जानवरों के किस तरीके का चारा देना चाहिए, कौन सा चारा उसके जानवरों के लिए पौष्टिक होगा और उसके जानवर ज्यादा दूध देंगे, किस तरह से सेफ्टी एक सुरक्षा के उपाय किए जाएं, सेफ्टी मेजर अपनाई जाए जिससे कि उसके जो पशुधन है पशु हैं उसको क्या किया जाए, बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उनके पशुओं की हेल्थ को, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेशन किया जाए, कृत्रिम जो गर्भाधान है आर्टिफिशियल। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली, जो सभी मेंबर है उसके परिवार के इस फार्म एक्टिविटी में उसकी मदद करते हैं मुन्ना लाल की, अदरवाइज मुन्ना लाल अलोन ये सब काम करे पॉसिबल नहीं है कि वो खेतों में गेहूं चावल और दाल भी उगाए जा रहा है और उसके पास दो भैंसे भी हैं और मुर्गियां भी हैं और सब काम वो अकेले ही देख रहा है, थोड़ा पॉसिबल होना मुश्किल सा लगता है। बल्कि मुन्ना लाल के परिवार वाले भी उसके इस एक्टिविटी में उसकी हेल्प करते हैं। सम टाइम ही टेक क्रेडिट, कभी कभी वो क्या करता है क्रेडिट लेता है बैंक से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिससे वो क्या करता है वहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को खरीदता है और इम्प्लीमेंट करता है उसे लागू करता है। ही सेल इज प्रोड्यूस इन द मंडी, नजदीक में ही मंडी है
जहाँ पर नजदीक के टाउन में, टाउन के नजदीक मंडी है जहाँ वो अपने जो प्रोडक्शंस किया है उसको बेच देता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक स्टोरेज, हालांकि हम देखते हैं जो मेजोरिटी है किसानों की उनके पास डू नॉट हैव लैक स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी की क्या है, कमी तो नहीं है, लेकिन दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस, लेकिन कहीं ना कहीं उतने नहीं है, डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास फिर भी स्टोरेज की कमियां हैं, जितना चाहिए उतना नहीं है, दे आर फोर्स टू सेल, उनको मजबूर किया जाता है उनके प्रोड्यूस को बेचने के लिए, इवन वेन द मार्केट इज, जबकि मार्केट जब फेवरेबल नहीं है, मार्केट में उनको सही प्राइस नहीं मिलता है उनकी क्रॉप्स का, इवन उन कंडीशन में भी इन फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो मार्केट में अगर उन्हें फेयर प्राइस ना भी मिले तो उन्हें बेचने के लिए मजबूर होते हैं। तो जो किसानों ने पूरे साल भर मेहनत की होती है, लेबोरियस होते हैं वो, पूरा साल भर उन्होंने क्रॉप्स को मेहनत से उगाया होता है, लेकिन उसका जो प्राइस लेने की जब बारी आती है तो उनको निराशा हाथ लगती है क्योंकि उन्हें राइट प्राइस नहीं मिल पाता है। इन द रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सम स्टेप्स अपनाए हैं जिससे कि स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण इनकी जो फसलें हैं बर्बाद हो सकती हैं, तो बर्बाद होने के डर से क्या करते हैं, कई सारे जो सेलर्स होते हैं उन लोगों को कम कीमत पर ही अपनी क्रॉप्स को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कहाँ स्टोर करके रखेंगे, कई बार बरसात आती है, बरसात में सीलन होती है तो उससे वो क्या होते हैं, फसल को बर्बाद हो, या कीड़े लग जाते हैं उनमें, घुन लग जाता है, या कई बार हम देखते हैं कि चूहे खा देते हैं उसको, तो कई सारी कंडीशंस है देखती है जो क्रॉप्स को के लिए वेयर हाउस यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस मुन्ना लाल की कहानी को, जो एग्रीकल्चर करता है जिसमें वो ट्रैक्टर का यूज कर रहा है, जो रेंट पे ला रहा है, ट्यूबवेल का यूज कर रहा है वो भी रेंट में ला रहा है, और अपनी भैंसों का दूध वो कॉपरेटिव्स में बेच रहा है, कॉपरेटिव का मेंबर भी है, मुर्गियां भी बेच रहा है वो, अंडे भी बेच रहा है, और अपने जानवरों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वो एडवाइस भी लेता रहता है, और कई बार वो बैंक से लोन लेता है ताकि वो हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स को खरीद सके और इम्प्लीमेंट सुधार कर सके, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा दे सके। इसी प्रकार अगर हम एक यूएसए के फार्म की बात करें कि जो यूएसए में फार्म, इंडिया के फार्म हमने देख लिए कि जो मुन्ना लाल के फ्रेंड हैं वो आज भी प्रिमिटिव तरीके से, प्रिमिटिव मेथड से प्लॉटिंग करते हैं, यानी कि बैलों का यूज करते हैं, जबकि आज के दौर में बैलों का यूज करना खेतों में एक ओल्ड ट्रेडिशन माना जाता है, ओल्ड मेथड माना जाता है, जबकि आजकल ऐसे नए नए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, छोटे ट्रैक्टर आ चुके हैं जिसमें हम पहाड़ों में भी यूज करते हैं। तो अगर हमें एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन करना है और जल्दी काम करना है तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पड़ेगा। अब हम इंडिया के लैंड्स को, इंडिया का जो लैंड का हेक्टेयर है उसको हम अमेरिका के साइज से कंपेयर करें, इज मच लार्जर देन ऑफ इंडियन फार्म, इंडिया के फार्म होते हैं जितने, उससे कई ज्यादा बड़े अमेरिका के जो फार्म है वो देखे जाते हैं। जो टिपिकल फार्म साइज होते हैं ये यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर, इंडिया में हमने देखा 1.5 हेक्टेयर के खेत होते हैं, लेकिन 1.5 हेक्टेयर देखिए इंडिया में, और वहीं अमेरिका में जो फार्म का साइज होता है वो 250 हेक्टेयर होते हैं, 250 हेक्टेयर के खेत होते हैं जो फार्मर जनरली रिसाइड, और इतने बड़े खेत होते हैं जो किसान होते हैं वहां के अमेरिका के, वो उन्हीं खेतों में फार्म बना के, फार्म हाउस बना के रहते हैं, वहीं अपने जानवरों को पालते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, और बेटर तरीके से वो क्या करते हैं, अपने खेतों की देखभाल कर पाते हैं। तो बेसिकली जनरली रिसाइड इन द फार्म, फार्म में ही रहते हैं वो,
सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स जो है, जो मुख्य कुछ फसलें हैं अमेरिका में, अगर हम देखें खेतों में जो उगाते हैं किसान, कॉर्न उगाया जाता है वहां पर, सोयाबीन भी उगाया जाता है भट जिसे बोलते हैं, और वीट, कॉटन और शुगर बीट उगाए जाते हैं। जो होरान एक फार्मर, जो होरान क्या है वहां, जोई होरान एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए में इन लोवा स्टेट में। उसके पास 300 हेक्टेयर का एक लैंड है, जो काफी इंडिया में अगर हम देखें किसी के पास इतना ज्यादा जमीन होना तो वो तो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा शायद ही, इतना ज्यादा लैंड पर कोई यहां पर इंडिया में खेती करता हो। तो वहां पर जोई होरान के पास 300 हेक्टेयर का क्या है, एक खेत है उसके पास, बहुत काफी बड़ा खेत है। ही ग्रो कॉर्न, तो जैसा कि मैंने बताया वहां कॉर्न को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत कॉर्न उगाया जाता है, मक्का बहुत होता है वहां पे। तो बेसिकली वो क्या करता है, ही ग्रो कॉर्न ऑन हिज फील्ड, अपने खेत में कॉर्न उगाता है वो, आफ्टर मेकिंग श्योर, ये श्योर होने के बाद भी जो बात की उसकी जो मिट्टी है और उसके बाद जो जल का संसाधन है वो उसकी आवश्यकताएं है, जो जो इस फसल के लिए मेन आवश्यकता है उसको पूरा करता है। यानी कि मक्का उगाने से पहले उसने ये देखा कि क्या मिट्टी वो सभी आवश्यकताएं पूरी करती है जो एक मक्के की ग्रोथ के लिए जरूरी है। किसी जगह पर कोई फसल उगाने से पहले ये देखना, ऑब्जर्वेशन करना कि क्या मिट्टी उन सभी पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशनल थिंग्स को देने के लिए कैपेबल है वो मिट्टी, क्या मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो एक विशेष फसल को चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, अदर न्यूट्रिशंस चाहिए उसे, ये देखना काम होता है वहां किसान का। जो हुरान ऐसा करता है वो श्योर हो जाता है कि क्या इस मिट्टी में और जल संसाधन में वो सारे आवश्यकताएं मौजूद हैं जो एक फसल के लिए जरूरी हैं। एडुकेट मीजर, यानी कि जो पर्याप्त हैं मीजर अपनाए जाते हैं, आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाते हैं वहां केमिकल। हालांकि ये जो केमिकल्स क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, नंबर एक, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी कम करेंगे, तीसरा जो हम क्रॉप्स हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल चीजें हमें मिलती, पोषक तत्व जो हमें मिलते वो शायद फिर नहीं मिल पाते हैं। तो एडुकेट मीजर, तो इसके लिए हम क्या करें, पर्याप्त तरीके अपनाएं, आर टेकन पेस्ट डेट कैन डैमेज द क्रॉप, तो हमें क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में मीजर कुछ तरीके अपनाने, मीजर करना है, आर टेकन टू कंट्रोल, जिससे कि हम जो पेस्ट हैं जो डैमेज करते हैं फसल को उसको हम बचाएं। जैसे कई बार टिड्डे आ जाते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि और ज्यादा कीड़े लग जाते हैं उनमें, जो इनकी पत्तियों को खा देते हैं या डैमेज कर देते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, मिट्टी के सैंपल्स को, मिट्टी के टेस्टिंग की जाती है उसके द्वारा, तो कहाँ भेजता है वो, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है मिट्टी की जांच को, कि मिट्टी में सारे पोषक तत्व है नहीं है, कि वेदर द न्यूट्रिशन आर सफिशियंट आइदर। और वहां क्या करता है, इंडिया में मुन्ना लाल क्या करता है, वो दोस्तों से पूछता है, वो बुजुर्गों से पूछता है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर से पूछता है, लेकिन वहां पर अमेरिका में वो किसी से पूछता नहीं है, बल्कि वो अपने मिट्टी के सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाके चेक करता है कि वेदर उसमें सब न्यूट्रिशंस है नहीं है। द रिजल्ट हेल्प, और इसके परिणाम में अगर उसमें सफिशियंट न्यूट्रिशन है या नहीं है तो उसको जो को ये जानने में मदद मिलती है कि टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर, जिससे कि वो एक वैज्ञानिक तरीके से क्या कर सके, खेती कर सके। इज कंप्यूटरबल, उसके पास कंप्यूटर भी है, और उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, आसमान में जो सैटेलाइट होता है, जो क्या करता है उसके जमीन की पिक्चर्स को क्या करता है उसके पास भेजता है, विच गिव हिम ए
प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत का, उसके खेत का पिक्चर करता है, भेजता है। दिस हेल्प हिम, इससे क्या होता है उसको मदद मिलती है एक केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में। एंड पेस्टिसाइड्स जो है दे आर रिक्वायर्ड, उनको जो आवश्यकताएं होती हैं जब भी उन्हें जितनी केमिकल्स या पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है। ही यूज ट्रैक्टर, वो क्या करता है अपने खेतों में ट्रैक्टर का यूज करता है। सीड ड्रिल का यूज करता है, जिसे ड्रिलिंग करके सीडों को बोया जाता है। एंड लेवलर कंबाइन हार्वेस्टर, उसके पास कंबाइन हार्वेस्टर है और थ्रेसर है, थ्रेसिंग मशीन है, जिससे कि वो कई सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। ए ग्रेन्स आर स्टोर, जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज हैं, उसको स्टोर किया जाता है वहाँ पर। इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होते हैं वहाँ पर, ऑटोमेटिक होते हैं वो। और डिस्पैच टू मार्केट, और या तो स्टोरेज में रखा जाता है या तो डायरेक्ट क्या किया जाता है मार्केट एजेंसी, जो मार्केट में एजेंसियाँ होती हैं उनको डिस्पैच भेज दिया जाता है। और वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर इन USA वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, वो कैसे काम करते हैं जैसे कि बिजनेसमैन है, नॉट लाइक ए पिजन्स फार्मर, किसानों की तरह नहीं होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब रहते भी तो वो बहुत बड़े फार्मों में हैं और वहाँ पर वो ना केवल फार्मिंग करते हैं बल्कि जानवरों को भी पाला जाता है, फिशिंग की जाती है, एपिकल्चर सेरिकल्चर सब किया जाता है वहाँ पर, वो भी साइंटिफिक तरीके से। इंडिया में भी किया जाता है, ठीक है, हमने मुन्नालाल का एग्जांपल देखा, पर क्या वो तरीका सही था जहाँ पर वो लोन लेके एक ट्यूबवेल यूज कर रहा है या लोन लेके ट्रैक्टर चला रहा है या फिर अदर कंडीशंस जो है उसके फेवरेबल नहीं है, उसे खेतों की कंडीशंस के बारे में पता नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में पता नहीं है, उसे ये पता नहीं कि कौन सी फसल लगाने से उसके ज़मीन पर जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं जानता इसके बारे में। इसी तरह से अगर हम इसमें MCQs को देखते हैं इस बुक में, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हमें पता चला इसमें फल फूल और सब्जी, यानी कि फल में फ्रूट्स फ्लावर एंड वेजिटेबल, इन तीनों को उगाया जाता है जिसमें, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। एपिकल्चर मैंने बताया, शहद का उत्पादन करना एपिकल्चर कहलाता है, जो हनी उत्पादन करते हैं हम। ऐसे ही सेरिकल्चर है, रेयरिंग ऑफ सिल्क, रेशम के कीड़े पाल के मलबरी के पेड़ में पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ में, जिसमें रेशम का धागा मिलता है उन कीड़ों को पाल के, तो उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ऐसे ही विटीकल्चर, इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है, उसे किशमिश भी बनाई जाती है अंगूर से। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हॉर्टिकल्चर क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और एक और क्या था, फ्लावर भी उगाया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी। गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी मिनरल जानी जाती, टी तो नहीं जाना जाता, टी तो बेवरेज क्रॉप्स है, कॉटन फाइबर क्रॉप है, हालांकि कॉटन फाइबर क्रॉप है और जूट भी, लेकिन कॉटन जूट और सिल्क भी फाइबर क्रॉप है, लेकिन इन तीनों में जो जूट है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। आज की डेट में हम कहते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है, तो हम अगर जूट के बैग्स बनाए ज्यादा से ज्यादा, और शॉपिंग बैग्स बनाए या स्कूल बैग्स बनाए, तो हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, जो हमारा पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट है, वो पॉल्यूशन होने से बच जाएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर जो कॉफी का है आज की डेट में, हमने देखा टी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो टी का होता है वो इंडिया में होता है, इंडिया प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी माना जाता है। ऐसे अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ब्राजील। तो अगर हम देख सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें द ओनली फैमिली मेंबर्स आर एंगेज एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन डन इन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ ओल्ड टूल्स या प्रिमिटिव टूल्स,
सब्सटेंस फार्मिंग में प्रिमिटिव टूल्स की मदद से फार्मिंग करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही इसमें हेल्प करते हैं, फार्मिंग करते हैं और अपने निर्वाह के लिए यानी कि अपने कंज्यूम करने के लिए उगाई जाती है, क्योंकि स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड में की जाती है। नंबर एक पुराने टूल्स से की जाती है, नंबर टू इसमें फैमिली के मेंबर ही हिस्सा लेते हैं, नंबर थ्री और उनके ये एक जीवन निर्वाह के लिए यानी जो उनकी डिपेंडेंसी है वो इतना ज्यादा नहीं उगा पाते हैं कि वो उसको सेल कर सकें। सेल कब करेंगे? जब उनके पास वो सरप्लस होगा। अब सरप्लस ना होने के कारण वो सब्सटेंस फार्मिंग कहलाती है। और मैंने बताया था ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट में एक क्रॉप सब्सटेंस है वही फसल दूसरे स्टेट में कॉमर्शियल है। अब इंटेंसिव फार्मिंग की बात करें दो प्रकार की होती है, एक प्रिमिटिव इंटेंसिव और एक कॉमर्शियल इंटेंसिव। तो अगर आप प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें ओल्ड टाइप से होती है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में होती है और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। जबकि जो इंटेंसिव है लार्ज एरिया में उगाई जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से होती है, लार्ज एरिया में उगाई जाती है और जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, बेसिकली बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है उन इलाकों में अगर हम इस तरह की खेती करते हैं तो आसानी से लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। इंटेंसिव एक बड़ा पैमाना जिसे बोलते हैं। ऐसे प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी में अगर हम कहें डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो हम नेचर की मदद से करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी इन विच वी टोटली डिपेंड ऑन द नेचर या वी टेक द हेल्प ऑफ नेचर कह सकते हैं, या हम नेचुरल रिसोर्सेज को जिसमें यूटिलाइज करते हैं उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा बेटा एग्रीकल्चर है नंबर वन, नंबर टू माइनिंग, नंबर थ्री हंटिंग, नंबर फोर डिफॉरेस्टेशन, नंबर फाइव फिशिंग। तो जो भी हम कर रहे हैं काम, एग्रीकल्चर हो गया आपका, हंटिंग है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, फिशिंग है, तो जो भी काम हम नेचर में करते हैं इधर माइनिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, वो सब प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। प्राथमिक उद्योग जिसे बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक नेचर का हम इसमें क्या करते हैं एक्सप्लोइट करते हैं, हम उनको यूज करते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज में हम कहेंगे कि हम नेचर की मदद लेते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ नेचर या वी कैन से दैट वी डिपेंड ऑन द नेचर, हम नेचर पे डिपेंड है, हम खेती कर रहे हैं, हमने मेज उगाया या हमने वीट उगाया, हमने राइस उगाई, तो उसके जो स्ट्रॉ होते हैं वो एक जानवर के लिए फोडर का काम करते हैं। यानी हमने मक्का उगाया, मक्का गेहूं चावल या सोयाबीन जो भी हमने उगाया, तो उसका जो रेस्ट पार्ट है क्रॉप्स के अलावा वो हम पशुओं को खिलाने के काम आता है। और जो जानवर से हमें डंग काउ डंग है जैसे गोबर मिलता है, उस गोबर को हम खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इंडिया में ही नहीं है, अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में भी देखते हैं जो भी लोग फार्मिंग करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं वो कल्टीवेशन के साथ साथ जानवरों को भी पालते हैं, एनिमल रियरिंग पक्का करते हैं। क्यों? क्योंकि इन जानवरों से क्या होता है आसानी से खाद मिल जाती है, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशनल चीजें हमें फ्रूट्स उन क्रॉप्स में हमें अवेलेबल होती हैं, और इससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी भी कंटिन्यू देखी गई है। तो इसी तरह से हम टर्शरी एक्टिविटीज देखें, टर्शरी एक्टिविटीज में हम कहेंगे जो क्या करता है प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटी को एक क्या करता है, क्या देने का काम करता है, एक हेल्प देने का काम करता है, एक बैकबोन का काम करता है। अगर टर्शरी एक्टिविटी टर्शरी सेक्टर नहीं है तो प्राइमरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ा लिंकअप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के लिए, जैसे कॉटन के कॉटन की बात करें जाए, सिल्क की बात की जाए या शुगर केन की बात की जाए, तो ये रॉ मटेरियल जो है वो मिल तक कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ट्रेड जरूरी है, व्यापार जरूरी है, चाहे हम सी पोर्ट से करें या लैंड से करें या एरोप्लेन से करें, तो ये जो है टर्शरी एक्टिविटी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं
टीचिंग है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर्स हैं, ये सारे भी तो आपके हैं, टर्सरी एक्टिविटीज में आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि टर्सरी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आप जानते हैं, जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कौन करेगा, जो ट्रेंड होगा, जो स्किल्ड होगा, एजुकेटेड होगा। तो ट्रेंड और एजुकेटेड लोगों की इस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड होने के कारण इस सेक्टर में ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी में ही देखें, एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इंगेज हैं, अब मोर देन 70% लोग तो क्या है इसमें इंगेज है। लेकिन 70% इंगेज होने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि इसमें थ्रू आउट द ईयर तो काम मिलता नहीं है, यानी कि फसल को बोने टाइम और काटने टाइम, हार्वेस्टिंग करने टाइम काम मिलता है, लेकिन बाकी टाइम में क्या है, ये वैसे बैठे रहते हैं। तो इनको अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है इनकम के लिए, और इनकी जो इनकम होती है हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या होती है, बहुत ही कम देखी जाती है। तो हमने ये देखा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर्स क्या है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रेड आता है, बिजनेस आता है, और नेटवर्किंग आती है, और बैंकिंग आती है, इसमें बैंकिंग सेक्टर्स भी आते हैं, मेडिकल सेक्टर आता है, होटल्स वगैरह आते हैं, जो सेवा वाले क्षेत्र हैं। तो इन दिस वे आई होप दैट यू अंडरस्टूड द मेन पॉइंट्स। जैसे कि हमने प्लांटेशंस की अगर हम बात करें, हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वो होती है जो हम बिजनेस पर्पस के लिए, यानी बेचने के उद्देश्य से हम उगाते हैं। इसमें जूट आता है, ग्राउंडनट आता है, टी आता है, रबर आता है आपका। तो हम देख सकते हैं इसमें प्लांटेशंस क्रॉप भी है, जिनको हम प्लांटेशन क्रॉप उनको बोलते हैं जिनमें हम एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं। एक ही प्रकार की फसल को बड़े एरियाज में लगाया, जैसे टी है, कॉफी है, बनाना है, रबड़ है, कॉटन है। तो बहुत बड़े हेक्टेयर में इस तरह की जो है ये फसल उगाई जाती है, तभी इनको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हम रबड़ की बात करें, मलेशिया ऐसा कंट्री है, इंडोनेशिया है, जहाँ पर क्या है, रबड़ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हम समझ गए कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। और अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और है, नेम द फाइबर क्रॉप कहते हैं। तो फाइबर क्रॉप हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कॉटन नंबर वन, नंबर टू जूट, नंबर थ्री सिल्क। इसकी हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लिखनी है कि कॉटन के लिए हमें कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, प्लस काली मिट्टी चाहिए हमें कॉटन के लिए, काली मिट्टी में और एलिवल सॉइल में जो कॉटन है, और इसमें धूप ज़्यादा चाहिए हमें, बारिश के साथ साथ हमें बहुत तेज़ धूप चाहिए कॉटन के लिए। तो ये भी एक फाइबर क्रॉप है। और ऐसे ही अगर हम बात करें जूट की, तो हम जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश दो क्या हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माने जाते हैं वर्ल्ड में, जहाँ अच्छी प्रकार का जूट उगाया जाता है। और जूट प्रोडक्शंस को बढ़ावा तब दिया जा सकता है जब हम जूट एक पॉलिसी बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर हम चीज़ें करें, ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करें वो जूट में करें। जूट पॉल्यूशन फ्री भी है, पॉल्यूशन भी कम होगा। इसी तरह से हमने इसमें देखा जो राइस और वीट हैं, दो अगर हम बात करें, दो क्रॉप्स की स्टेबल क्रॉप्स मानी जाती हैं, दो ग्रो यानी लोगों का भरण पोषण करने वाली फसल, यानी कि हम पूरे लाइफ टाइम में फास्ट फूड पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कुछ टाइम तक थोड़े एक टेस्ट चेंज के लिए हम चलो फास्ट फूड खा सकते हैं, चाउमीन या इस तरह से पिज्जा बर्गर, लेकिन क्या हम हमेशा इन चीज़ों पर डिपेंड रह सकते हैं, नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, चावल और गेहूं हमारे भरण पोषण करने वाली फसल है, स्टेबल क्रॉप मानी जाती है। तो हम देखते हैं मिलेट्स की अगर हम बात करें, इसमें बाजरा और ज्वार और रागी, ये तीन चीजें हैं जिनके लिए हम बात करते हैं कि मोटा अनाज कहा जाता है इन्हें,
मिलेट्स में आते हैं। एक नाम है इन तीनों क्रॉप्स के लिए मिलेट्स, कोर्स ग्रेन बोलते हैं इनको और कैन बी ग्रोन। इनके लिए खासियत क्या है, ये कम फर्टाइल भूमि पर और सैंडी सॉयल भी है, जहाँ रेत वाली भूमि है सैंडी सॉयल में भी उग जाता है मिलेट्स। इट इज ए हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल, हार्डी क्रॉप है ये, सख्त क्रॉप हम कह सकते हैं। सख्त क्यों है, क्योंकि इसकी क्रॉप्स के लिए, जो मिलेट्स की क्रॉप्स के लिए हमें बहुत कम बारिश चाहिए, क्योंकि इरीगेशन ना भी करें हम इसमें या रेनफॉल नहीं भी हो रही है, दोनों कंडीशन है। हम इरीगेशन कहाँ करेंगे, जहां पर रेनफॉल की कमी है, और जिन क्रॉप्स के लिए ज्यादा रेनफॉल चाहिए, अगर उन एरियाज में रेनफॉल नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी बात है कि हमें वहां पर इरिगेशन करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज अपनानी पड़ेंगी। जब लो रेनफॉल वाले इलाके हैं, अब पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में बेसिकली गेहूं और राइस, वीट और राइस उगाया जाता है। अगर वहां रेनफॉल ज्यादा नहीं भी होती है तो वहां पांच नदियां हैं, तो ये पांच नदियों से वहां पर आसानी से, पंजाब के जो किसान है वो काफी समृद्धशाली, उनके पास काफी कैपिटल पूंजी रहती है, पैसा रहता है, तो वो मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं खेतों में, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, और तीसरा केमिकल्स यूज करते हैं, और इन तीनों से एक प्रोसेस जो चली आ रही, जो आउटपुट है वो ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर मिलेट्स की खासियत की बात करें, वहां कम बारिश वाले इलाकों में, कम फर्टिलिटी वाले इलाकों में, जहां मॉडरेट टेम्परेचर है, वहां आसानी से हो जाते हैं। ज्वार अगर बाजरा की बात करें एंड रागी, तीनों चीजें अगर हम देखें, कोर्स ग्रेन तो है ही है ये, लेकिन ये लेस फर्टिलिटी वाले इलाकों में और लो रेनफॉल वाले इलाकों में, दो चीजें याद रखिएगा, लेस फर्टिलिटी और लो रेनफॉल वाले इलाकों में आसानी से हो जाता है। और अदर कंट्रीज जो इसके हैं वो आते हैं आपके नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में। ऐसे मेज के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मेज है वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको, और रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन, ज्यादा इसमें क्या चाहिए, धूप चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में हो जाता है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया और मेक्सिको में इसकी खेती की जाती है। अब कॉटन की अगर हम बात करें, वी नो अबाउट द कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉटन क्या होता है, बहुत ही जरूरी माना जाता है। डू यू नो कह रहा है ये, क्या बताना चाह रहा है ये, मेज इज ऑल्सो नो एज कॉर्न, मेजी को कॉर्न बोला जाता है, मेजी की एक वेराइटी है कॉर्न, वेरियस कलरफुल वेराइटीज होती हैं मक्के की पूरे संसार भर में, और मक्के को ही कॉर्न बोला जाता है। जो बाजार में पॉपकॉर्न आता है वो भी एक प्रकार का मक्का होता है, वो मक्का थोड़ा छोटा होता है साइज में, उस की ये फैसिलिटी खासियत होती है कि जितने तवे में डालेंगे वो वाले सारे फूल जाते हैं, लेकिन जो मक्के की एक ही वैरायटी है हमारे पास पहाड़ों में, उसको डालेंगे तो वो सारे नहीं फूलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें कॉफी प्लांट के बारे में, देयर आर डिफरेंट वर्जन, कई सारे क्या है, डिफरेंट वर्जन है कॉफी प्लांट के। डिस्कवरी ऑफ कॉफी की अगर हम बात करें, जो कॉफी की खोज हुई थी इन अबाउट एडी 850 में हुई थी, जो कार्ल्डी है एन अरब गोट हर्डर, जो था अरब का बकरी चराने वाला था, हु वाज पजल्ड, जो काफी पजल्ड था, किस चीज से था पजल्ड वो, बाय द क्वायर एंटीक्स ऑफ हिज फ्लॉक, बहुत ही विचित्र एंटीक्स जो थी उसकी, झुंड थे ऑफ हिज फ्लॉक जानवरों में, टेस्टेड द वेरियस ऑफ एवरग्रीन बुश विच द गोट्स वेर फीडिंग, जो उसका झुंड था, टेस्टेड द वेरियस बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश, जो थे सदाबहार झाड़ियां जिस पर उसकी बकरियां क्या थी निर्भर रहती थी, फीड करती थी, ऑन एक्सपीरियंसिंग ए सेंस ऑफ एक्सीलरेशन ही प्रोक्लेम हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड, उसने ये माना, पहले पता नहीं था कि वो कॉफी है, उसने ये माना जरूरी संसार में उसके लिए एक क्या है, एक अच्छा डिस्कवरी किया है उसने। ऐसे सुगर केन प्लांटेशन हमें दिख रहे, गन्ना जहां पर नजर जाती है, बहुत बड़े हेक्टेयर में गन्ना उगाया जाता है इंडिया में,
और जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है गन्ने के लिए 21 से 21 से 27 के बीच में, बारिश भी शायद हमको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए होती है गन्ने के लिए शुगर प्लांटेशन में, तो काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। प्लांटेशन क्रॉप भी है, दो चीज़ें हैं, एक तो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल क्यों है फिर ये, क्योंकि जहाँ शुगर मिलें होती हैं वहाँ पर शुगर मिल में गन्ने से चीनी बनाने के लिए और जैगरी बनाने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, और बेसिकली गन्ना वहाँ पे उगाया जाता है जिसके नज़दीक में शुगर मिल हो। शुगर मिल बहुत ज़्यादा दूर होगी तो गन्ने को रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ पहुँचाने में देर होगी, तो इसमें रस नहीं बन पाएगा या रस सूख जाएगा, इसलिए शुगर मिल के थोड़ा सा दूरी पर गन्ने की खेती की जाती है, जो एक कॉमर्शियल क्रॉप भी है नंबर एक, नंबर दूसरा वो प्लांटेशन क्रॉप भी है। और यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है गन्ने का, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी में, इसलिए चीनी की बहुत सारी मिलें हैं, उत्तराखंड में भी होता है, उत्तराखंड में भी चीनी की मिलें हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।